डियर फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर सेवन सॉल्व किया था ओके अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का हम आज लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज कॉन्ग्रेंस ऑफ सर्कल ओके इस टॉपिक पर कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको आपके बुक्स में दिया नहीं गया ओके यहाँ पर आपको फोर फिगर्स दिख रही होगी फर्स्ट है फिगर ए देन सेकेंड फिगर बी थर्ड फिगर सी एंड फोर्थ फिगर डी ओके यहाँ पर हमें कुछ सर्कल्स दिए गए हैं ये फर्स्ट सर्कल है ओके okay? एंड इसके रेडियस है वन सेंटीमीटर की सो हम यहाँ पर लिख देते हैं आर इक्वल टू वन सेंटीमीटर ओके सो हमारा डी मीन्स डायमीटर क्या आएगा फ्रेंड्स टू सेंटीमीटर बिकॉज डी इज इक्वल टू टू टाइम्स आर ये आपको पता होगा नहीं पता तो आप नोट कर लो डायमीटर इज ट्वाइज द रेडियस हमारे यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं डायमीटर इज टू टाइम्स द रेडियस ओके अब इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है बट आगे चल आपको ये ध्यान में रखना होगा अब सेकेंड फिगर में हम चेक करते हैं यहाँ पर इसके रेडियस दी गई हैं टू सेंटीमीटर दिन इसका डायमीटर होगा हमारा फोर सेंटीमीटर्स ओके कैलकुलेट कर लो आप दिन हियर आर इक्वल टू वन सेंटीमीटर सो अर डी इक्वल टू टू सेंटीमीटर्स एंड लास्टली हियर आर इक्वल टू वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर सो डी इक्वल टू टू इंटू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री टू इंटू वन पॉइंट थ्री टू पॉइंट सिक्स ओके कैलकुलेट कर लो ऐसे थ्री इंटू टू सिक्स देन टू इंटू वन टू ओके थ्री टू 6, टू वन ज़ा टू सो हमारा आंसर आएगा टू पॉइंट सिक्स दैट इज़ आवर डायमीटर इज़ टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ओके अब ये करे अब ये कैलकुलेट करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी बट हमने कर दी ओके okay? बट हम यहाँ पर धैन से देखते हैं फिगर ए एंड फिगर सी को ओके okay? यहाँ पर फर्स्ट फिगर ए में जो रेडियस है सर्कल की वो वन सेंटीमीटर दी गई है एंड फिगर सी में भी रेडियस है वन सेंटीमीटर की देन बी एंड टी में वो डिफरेंट है ओके okay? सो so, फिगर ए इज़ कॉन्ग्रन टू फिगर सी बिकॉज यहाँ पर हमें इसका एक रेडियस का एक सर्कल दिया गया है सो so, ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्गोरेट हो जाएगी सो so, हम यहां पर राइट करते हैं फिगर ए कांग्रेन टू फिगर सी यहाँ पर ए एंड सी दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट आ गए हैं सो फिगर ए इज कॉन्गोरेन्ट टू फिगर सी ओके सर्कल्स को हम नाम नहीं दे सकते दैट इज ऐसे नहीं कह सकते कि हम सर्कल पी क्यू आर बिकॉज सर्कल को कोने नहीं होते ये कर्व शेप्ड होता है ओके सो so इसको हम नेम से डिनोट नहीं कर सकते बाकी सभी एंगल्स लाइन सेगमेंट देन स्क्वेयर्स कॉर्डिलेटरल्स, ट्राइंगल्स इन सब को हम नाम दे सकते हैं बट सर्कल्स को नहीं दे सकते सो so हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया फिगर ए टू फिगर सी ओके एंड लास्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का सर्कल्स विथ इक्वल रेडिया आर कॉन्ग्रंट ईच अदर ओके जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा फिगर ए एंड फिगर सी आपस में कॉन्ग्रेंट आ गए बिकॉज इनकी रेडियस इक्वल थी एंड इक्वल थी और सेम थी सो आवर मेन पॉइंट इज सर्कल्स विथ इक्वल रेडिया आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सिर्फ ओके सो यहाँ पर हमारा जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का लास्ट टॉपिक भी हो गया एंड आवर चैप्टर इज ओवर ओके सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर का दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे ओके थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल देन बाय एंड सी यू हैव अ नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ